हेलो एवरीवन, आज वीडियो रे आम जीव विज्ञान दशम श्रेणी जीक रेचन अध्याय जो तुम चतुर्थ अध्याय रेचन जोटा थी सेटार आम मोस्ट 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कर जो गुड़ा कि प्रीवियस ईयर को बेस्ट कर किसी क्वेश्चन बनाई आज तुम बुक रू भी कैप्चर करके रखाई सेटा स्पेशल हम तुम एसए वन एग्जाम बुझीगला। सो चलो तेल वीडियो को आरंभ करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों बर्ण कणार उपस्थिति जो मूत्र रंग कौन होता है हलदिया ईसद हलदिया होता है तेल क्यों बर्ण कणा। तो चार टाइप मल्टीपुल चॉइस माने एमसीक्यू माने चार एमसीक्यू क्वेश्चन थी चॉइस बेस्ड चार ऑप्शन देख। फर्स्ट देला यूरोक्रोम देला क्रिएटिन क्लोरोफिल यूरिन। सो ये राइट आंसर ऑप्शन ए यूरोक्रोम थिबा जो ही जो यूरिन टा जोटा कि आमर ईसद हलदिया रंग देखा जाए बुझीगला। एवं देखा क्वेश्चन नंबर टू, रेजिन और टानिन परी वज्य वस्तु उद्भिदर केउठारे संग्रहित होता है। उद्भिदर भी किसी कौन था वज्य वस्तु था केउठारे संग्रहित हो रुहे पचार। तो ऑप्शन का देख, फर्स्ट फ्लोएम बातरंध्र जाइलेम त्वचा बरण। सो ये राइट आंसर ऑप्शन सी जाइलेम था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, नेफ्रेडिया क्यों प्राणी अन्यतम रेचन अंग। नेफ्रेडिया विषय में पचारा तुम जान नेफ्रेडिया गोटे रेचन अंग तो ये कहार रेचन अंग बोली पचार। सो ये राइट आंसर है जिया। तो सब जान जिया नेफ्रेडिया द्वारा रेचन करें। ठीक अच्छे एवं देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, एमिबार रेचन अंगर ना कौन। एमिबा तार रेचन अंगर ना कौन ये सी पचार। फास्ट कहला शिखाकोष, नेफ्रेडिया, तापरे मालपीजियन नलिका, तापरे संकोचिकी धानी। सो या राइट आंसर है चार नंबर ऑप्शन डी संकोचिकी धानी द्वारा एमिबा कर करथाय तार रेचन तंत्र संपादन करथाय। मनीष वृक्कर भितर पाखरे थिबा खालुआ स्थानटी को कोन कह जाय। ताले धर एटा गोटे मनीषर मु वृक्क बनाऊँ हला ये खालुआ स्थान थाए कि ना से खालुआ स्थान गुटा को कौन कह जाए बोली पचार। सो देख यार राइट आंसर है पांच नंबर ऑप्शन बी हाइलम बोली कहा जाए खालुआ अंशा को। ठीक अच्छे एवं देखा क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्योंटि शरीर निष्कासित न हो पूर्ण शोषित होता है मानने बड़ी रू निष्कासित हेनी से पुणी आ थे शोषी बड़ी को रिटर्न करके चली जा। फास्ट है यूरिक एसिड, तापर देला क्रिएटिन, तापर ग्लूकोज, तापर यूरिया। तुम जान यूरिया भी बहुत क्षतिकारक, क्रिएटिन आइन भी बहुत क्षतिकारक, यूरिक एसिड बहुत क्षतिकारक। सो ये राइट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही जी पूर्ण निष्कासित न होकर पूर्ण शोषित होकर शरीर को चली जाए। वृक्क रु क्यों हार्मोन क्षरण होता है, से वृक्क जो किडनी रु क्यों हार्मोन क्षरित होता है पचार। फास्ट कहला पाराथ हार्मोन, ये जमा नुए पाराथायरएड भाई एरिथ्रोपोएटिन, ये हूँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट समस्त मन रख। एरिथ्रोपोएटिन ही जी कि आरबीसी तैयारी करमोन जदि न हो आरबीसी फॉर्मेशन हो पार ना। एवं देखा क्वेश्चन नंबर एट, क्यों प्राणी शरीर रु यूरिक एसिड निष्कासित होता है। ताले क्यों प्राणी शरीर में यूरिक एसिड निष्कासित हुए से पचार। सो राइट आंसर है तुम जान पक्षी कौन करे से यूरिक एसिड निष्कासित करे। तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में जाना मनीष तार जो रेचन कौन निष्कासित करे। ऑप्शन भी कहीदे गोटे यूरिक एसिड आ गए यूरिया है। तो तुम्हें देख क्योंटा ठीक हम। नेक्स्ट, क्यों शरीर रेचन अंग नुहे, ये भितर कैटा आम रेचन अंग नुहे पचार। फा देख कहला फुसफुस ये नुहे, चर्म सॉरी फुसफुस ये नुहे पचार ना। तो ये आमर भूल आंसर अनुसार भूल कि फुसफुस हूँ आम रेचन अंग, चर्म भी आम रेचन अंग कि ऑप्शन में नुहे पचार ये भी कटिगला। ब्रुक ये भी तो रेचन अंग ताल ये भी ऑप्शन अनुसार भूल गला कि हृत्पिंड आम रेचन अंग नुहे। सो राइट आंसर ऑप्शन डी शिखाकोष क्यों प्राणी रेचन अंग। ताल ये पचारा शिखाकोष कहार रेचन अंग। सो यार राइट आंसर हो चेप्टा कुर्मी, मन रख चेप्टा कुर्मी जो रेचन अंगर ना कौन शिखाकोष। नेक्स्ट, मनीषर यूरिया के उत्पन्न हुए, जो मनीष
ଯେଉଁ ତାର ୟୁରିଆ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ସେଠି ପଚାରିଛି। ଯେଉଁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ରିଟ ଯେଉଁ ୟୁରିନରେ ବାହାରେ ୟୁରିଆ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଏଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେଠି ପଚାରିଛି। ସୋ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଯକୃତରେ ଲିଭରରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ୟୁରିଆ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12। ସାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ କରନ୍ତି? ସୋ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 12ର ୟୁରିଆ ସେମାନେ ନିଷ୍କାସିତ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଶରୀରର ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପରିମାଣ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ବୃକକ୍, ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ। ସେ ଯେଉଁ 13 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏବେ ଠିକ କି ପଚାରିଲା? ଜଳ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ ପଚାରିଲା, ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୃକକ୍, ସିଏ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ମାଛ ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏମୋନିଆକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛି? ସିଏ ପଚାରୁଛି ଅବଭିୟସ୍ଲି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କଥା, ତ କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ନିଷ୍କାସିତ କରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସିକି କରିବେ କି? ସେଇ ଜଳରେ ହିଁ କରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେ ଯେ ପରିବେଶ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଜଳୀୟ ପରିବେଶରେ ସେଠି ସେମାନେ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛି? ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପତଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ୟୁରିଆ, ତାପରେ ଏମୋନିଆ, ତାପରେ ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ। ତ 15 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ସବୁ ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହାତ ମୁଠା ପରି। ତୁମେ ଦେଖିଛ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆକାର ହାତ ମୁଠା ପରି। ଏବେ ପଚାରୁଛି ବୃକକର ଆକାର, ଆରାମ ସେଟା ତୁମେ କହିପାରିବ। ବୃକକର ଆକାର ହେଉଛି ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି, ହେଲା। ବୃକକରୁ ନିଃସୃତ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ, ଏଟା ହରମୋନଟା ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି, ତାହେଲେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ହରମୋନଟା, ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦର ପରିପକ୍ ଜାଇଲେମ୍ରେ କେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ? ସୋ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ରେଜିନ୍। ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜମା ହେଇଥାଏ ସେଟା ରେଜିନ୍ ବା ଟାନିନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନଥାଏ? ଯଦି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଥିବ ତା ମୂତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବନି, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ୟୁରିଆ, ୟୁରିଆ ପାଇପାରିବ, ଲବଣ, ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନଥାଏ? ସେଠି ନଥାଏ ପଚାରିଲା, ହେଲା। ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କେବେ ବି ନଥିବ। ଯଦି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ହିଁ ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସୁସ୍ଥ କି? ସେ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ ଜମାରୁ। ତାପରେ ସାଙ୍କନାର ଅପେକ୍ଷାର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍କନା କଥା ସରି ସିଙ୍କନା କଥା ଯେଉଁ ପଚାରୁଛି, ସିଙ୍କନା ଗଛ ତାହାର ଉପେକ୍ଷାର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ଏଠି ପଚାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ୱିନାଇନ୍, କ୍ୱିନାଇନ୍ ହିଁ ତା ନାଁ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଶରୀରରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଏମୋନିଆ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ପୁଷ୍ଟିସାର। ପୁଷ୍ଟିସାରର ହିଁ ଚୟାପଚୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏମୋନିଆ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯକୃତରେ ଏମୋନିଆ ସହ କାହାର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ କଥା ପଚାରୁଛି, ତ ଇଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ସହ ସେ କି କରୁଛି? ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଆମର ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ବୃକିଆ ନଳିକାର କପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗିନା, ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱଟିର ନାଁ କ'ଣ? ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗିନା ଥିଲା ଏମିତିକା, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଥିଲା ଲମ୍ବା ହେଇକି, ଚିତ୍ରଟା ତୁମର ଥିଲା ତୁମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ, ହେଲା। ସୋ ତା ନାଁ କ'ଣ? ତାହେଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ, କ୍ୟାପସୁଲ ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ବାୟୋମେନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲିକି, ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପସୁଲ ଭଳିଆ ବା ଗିନା ଭଳିଆ କପ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେଟାକୁ ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ବୃକକର କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ତାର ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃକକର କେଉଁଠାରେ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଏଠି ପଚାରୁଛି। ସୋ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ, ହେଲା। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଦେଖିଥିଲେ ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ, ତାପରେ ପରେ ଏମିତି ଥିଲା ଟ୍ୟୁବୁଲ ଭଳିଆ, ସେଠି ସେଇଠି ଆମର ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ମିଶି କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ଏବେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ସେଇଠି ପଚାରୁଛି, ହେଲା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାଲପିଜିଆନ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। କେଉଁଠି ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥରୁ କେତେ ଜାତ ହେଇନି ବୋଲି ସେଠି ପଚାରୁଛି।
सो ये राइट आंसर है जो यूरिया यूरिया के भी उद्भिद रु बाहरी न था है ना। तेंतुली हूँ टाटारी अम्ल तो तेंतुरी की अम्ल अच्छी टाटारी अम्ल अच्छी लेंबुरे के अम्ल अच्छी तो समस्त जानते साइट्रिक अम्ल अच्छी सो ये राइट आंसर है जो ऑप्शन ए हूँ साइट्रिक अम्ल लेंबुरे। क्यों प्रक्रिया गुड़िक मध्यम ब्रुकक शरीर अंत परिवेशर संतुलन बजाय रखी था फास्ट कला जारण विजारण तापर कहला परिश्रवण पूर्ण शोषण क्षरण निष्कासन ताप कहला श्वसन संशोषण ताप पचला संवादन परिवहन संचालन सो ये जो 28 नंबर राइट आंसर तो समस्त जान जो परिश्रवण आ पूर्ण शोषण क्षरण निष्कासन किए कले ब्रुकक रो काम हाइलो मध्य दे ब्रुकीय शिरा आ ब्रुककीय धमनी और डेस ब्रुकक सह संयुक्त होके थाए जमती एमती हाइलमटा थी धर ये किडनीटा है ये हाइलम थी एमती गात बढ़िया तो ये आ कौन कौन जॉइंट है से अच्छी बोली फास्ट कहला गोटे ब्रुकीय शिरा अच्छी गोटे धमनी अच्छी तासह आ कौन अच्छी मूत्र सारणी जॉइंट होगी थाए एमती जाकि ब्लाडर जो थाए एपट गोटे किडनी रू आसे एमती संयुक्त होके थाए बुझीगला। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 30 एमोइबार रेचन डेस और डेस द्वारा संपादित होइ थाय मन रखिथिले ए क्वेश्चन गुटे डिस्कशन हेतिला सो ये राइट आंसर हेजो तुमे जानिछो गुटे संकोचन धानी थिला से ऑप्शन रे ता गुटे प्लाज्मा झिली द्वारा से कोन करे एमोइबा तार रेचन प्रक्रिया संकर्तित कर थाय। एबे जिबा तंबाकू पत्र रे थिबा उपेक्षाटीर ना कोन माने जे तंबाकू पत्र रे जेमति कि आमे पढिथिले सिंकोना गछरु कोन पाइथिले कोई नै से बुढ़िया तंबाकू रे आमे कोन पाइथौ समस्त जानी निकोटिन हो कि ना तो 31 रो राइट आंसर हो निकोटिन था हला। एबे देखिबा यूरिया होची जल रे द्रवणीय किंतु यूरिक अम्ल कोन जल रे द्रवणीय कि ना से होची जल रे अद्रवणीय हला। एबे जीवा ब्रुकक रु मूत्र केउ बाट दे मूत्राशय को आसी थाए तले एटा से पचाला केउ दे कि आसी थाए हला यार राइट आंसर जो मूत्र सारण जे कि हाइमेन थारे जॉइंट कि अछि। जीआर रेचन अंग कौन तले जीआर रेचन अंग कौन समस्त जानिचो नेफ्रिडिया हला। नेक्स्ट एटा लास्ट क्वेश्चन 34 35 ब्रुकक रो मुख्य कार्यवाहिनी अंश किए तले ब्रुकक रे जो कार्य निर्वाही अंशडा अछि ता ना कौन ता ना होजे समस्त जानिचो नेफ्रोन से नेफ्रोन ही कौन करे सब कार्य संपादन करथे मुख्य कार्य संपादन किए करथे ब्रुकक रे तारो नेफ्रोन करिथाय बुझियाला। जदि तुमको ये भिडियोटा भल लगी था लाइक गोटे सेयार और तुम सांग मानक सेयार करदेव है जहाद्वारा कि तुम जो पूर्वर जितकी भिड तुम शोषण पोषण परिवहन संचालन भी भिड तुम पाइज प्लेलीस्ट डेस्क्रिप्सन बक्स में है क्लास 10 लाइफ साइज रोटे प्लेलीस्ट अच्छे से तुम चेक कर पार। ठीक अच्छे थैंक यू।